पेड़ पकौड़े देखे होंगे, पकौड़े देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये भाई जो है यहाँ पे डाले रखे हैं इन्होंने आलू, देखते हैं आगे की जो लपटे हैं वो यहाँ पे निकल रही हैं, और इसमें जो है कढ़ाई में जो आलू वहाँ पे जो है भुन चुके हैं, और भुनने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकी जो है स्किन है ऊपर से वो उतारी जा रही है। हे गाइस, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने थंबनेल देख के जो है समझ ही गए होंगे कि ये जो है किस पर्पस पे ब्लॉग है। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगा और फटाफट से आप लोगों को मिलता हूँ मैं मैनपुरी। तो चलो चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ठेला ये यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भूजे जा रहे हैं गर्मा गर्म आलू, और ये आप लोग जैसा कि देख सकते हैं आपने नॉर्मल जो है देखे होंगे आलू, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से नहीं देखे होंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये भाई रखे हुए हैं आलू, और नॉर्मल तरीके से आपने जो है सब्जी वगैरह में यूज़ किया होगा आपने घर पर, और उस तरीके से खाए होंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं खाए होंगे जैसे ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये भट्टी है इन भाई की, और ये ठेला पे इन्होंने लगाई हुई है, और नीचे से कोयला है, और आप लोग कोयला नहीं है इसमें, कोयला नहीं है क्या? नहीं, ये कंडे पड़ते, कंडे और लकड़ी। अच्छा, कंडे और लकड़ी। ये भैया हैं और आलू निकाल रहे हैं, या हल्के डालेंगे जाने हैं? हल्के डालेंगे जाने। हाँ, हल्के डालो। ये एक बार में ऐसे कितने डालते हो भाई? एक बार में 8 किलो 10 किलो एक बार में। तो ये कम हो जाता है फिर इसके बाद? हाँ, ये कम हो जाता है। अच्छा, तो देख लो भाई कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। अभी ये भाई डालेंगे इसमें, आप लोग देख सकते हैं इसमें डाल दिए आलू, और अब इनको जो है भूंजा जाएगा, जैसे कि ब्रेड पकौड़े नहीं सेके जाते हैं उस तरीके से इनको भूंजा जाएगा। अभी आप लोग देखना, ये देखो भाई ये फौलती हुई रेत, ये ऑयल नहीं है, जैसे ऑयल फौलता है ना उस तरीके से देखो रेत फौल रही है, और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आलू को भुना जा रहा है। जैसे ऑयल खोलता है तो उस ऑयल में डाले जाते हैं, जैसे हमने ब्रेड पकौड़े देखे होंगे, पकौड़े देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये भाई जो है यहाँ पे डाले रखे हैं इन्होंने आलू और खोलती हुई रेत में। तो ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िला में ये प्रोसेस किया जाता है, और इस प्रोसेस से, अनोखे प्रोसेस से इस तरीके से जो है आलू को भुना जाता है। तो भाई यहाँ पे बताया जाता है इनका जो स्वाद है वो बेहद ही अच्छा होता है, और बहुत ही ज़्यादा तीखा और स्वादिष्ट होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर इनका जो आलू है वो टेस्ट करेंगे किस तरीके से यहाँ पे लगता है। तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये आलू को खोलती हुई रेत में भुना जा रहा है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आगे की जो लपटे हैं वो यहाँ पे निकल रही हैं, और इसमें जो है कढ़ाई में लग रही हैं। तो ये जो मिट्टी का इन्होंने बना के रखा है, तो भाई एक बहुत ही मेहनत का काम है ये, बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी होती है इसमें, और आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो और किस तरीके से भाई ने जो है यहाँ पे ठेले पे लगा के रखा है ये, और एक गटका मिट्टी का, और उससे लगा के रखा है कढ़ाई और मिट्टी के ऊपर। तो बालू तो अपनी ये नॉर्मल वाली बालू है ना? हाँ, ये नदी वाली जो चिनाई वगैरह में काम होती है वो वाली नहीं, नदी वाली होती है ये। अच्छा, काली वाली बालू? हाँ, काली वाली बालू है ये, और लाल हो रही है उसमें जब आग की वजह से। हाँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनका जो कलर है वो हल्का हल्का ब्लैक होने लगा है, और यानी कि इसका ये संकेत है कि ये आलू हमारे लगभग भुंजने वाले हैं। ये आप लोग देखो इनका जो कलर है वो ब्लैक हो गया है, ठीक है, ये आप लोग जैसा कि देख सकते हो भाई किस तरीके से ये खोल रहे हैं आलू, जैसे कि ऑयल में खोलते हैं ना वैसे आलू खोल रहे हैं। ये देखो चल नहीं रहे भाई, चल नहीं रहे हाथ? नहीं भाई, देखो जल नहीं रहे। तो ये ऐसे हाथ से निकालते तो आदत पड़ गई है? आदत तो नहीं है। अच्छा, तो ये हाथों से भाई मैं पकड़ूंगा ना तो जल जाएगा मेरा तो हाथ, और भाई की जो है आदत पड़ चुकी है, और यहाँ पे निकाल रहे हैं आप लोग जैसा कि देख सकते हो, और ये देख सकते हो ये क्या प्रोसेस होने लगा। छोटू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो? ये आलू ला रहे हैं, ये छिलके निकल जाएंगे इससे? तो ये भाई देखो छिलके निकल रहे हैं ये नीचे, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, और ये सारे के सारे इनकी जो लेयर ऊपर से उतर जाएगी, देख लो भाई ये प्रोसेस होता है जब आलू वहाँ पे जो है भुन चुके हैं, और भुनने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकी जो है स्किन है ऊपर से वो उतारी जा रही है, और नीचे से आप लोग देखो किस तरीके से ये जो स्किन है इनसे हट रही है आलू से, आप लोग देख सकते हैं। ये भाई काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस किया जाता है, ये देखो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं धीरे धीरे ये आलू,
बिल्कुल भाई साफ स्किन बिल्कुल उतर चुकी है, ये आप लोग सामने है, बिल्कुल स्किन जो है साफ हो चुकी है, कोई भी ऊपर से जो है लेयर नहीं है और अभी भी लेयर जो है नीचे उतर के गिर रही है, ये आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हैं ये लेयर जो है नीचे से जो है अभी गिरना स्टार्ट हो रही है और गिर ही रही है तब से लगातार। और ये देखो ये बहुत मेहनत होती है इसमें, कितना टाइम लगता है इसमें छानने में? हाँ यहाँ 2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट में साफ हो जाता है ये। तो ये देखो भाई इनकी जो स्किन है वो यहाँ पे बिल्कुल उतर चुकी है ऊपर से, आप लोग देखो भाई ये आलू थे किस तरीके से थे और ये देखो ऐसे थे और इनकी जो स्किन है उतार के कुछ इस तरीके से कर दिया गया, ये आप लोग जैसा कि देख सकते हैं और बिल्कुल जो है क्लीन हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं आप लोग जैसा कि देख सकते हैं और भाई ऊपर से बिल्कुल साफ स्किन देखो, अब ये कहीं लग ही नहीं रहा है कि ये आलू है, ये देखो ये लग ही नहीं रहा है कि ये आलू है, बिल्कुल भाई क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल साफ हो चुकी है आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। ये देखो ये रखे हैं, ये किसी किसी की स्किन थोड़ी सी कम उतरी है और बाकी की ये बिल्कुल साफ हो चुकी है देखो। और इसमें नीचे क्या है? उसमें बुरादा है, नीचे आँच है, आग गर्म करने के लिए, मतलब गर्म रहे, गर्म रहते हैं, बुरादा की आँच है इसमें। अच्छा ये गर्म रहेंगे इससे ना, लकड़ी का बुरादा है ये चीज। हाँ तो ये लगाए गए नीचे जो है गर्म रखें, रखने के लिए जो गर्म रहेंगे ये हमेशा, और गरम गरम भाई उठाओ और गरम गरम जो है खाओ, ठीक है। मतलब कैसे दिए ये आलू? 60 के आधा किलो, 60 के आधा 20 रुपए किलो, 250 ग्राम कितने को हो गई है? 30 के, तो आधी किलो, मतलब आधी किलो ही लगा दो आप मेरे लिए खाने के लिए। ये भाई निकाले जा रहे गर्मा गर्म एकदम से और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को खा के इनका जो स्वाद है वो बताता हूँ किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि भाई ये मैं यहाँ पे आया हूँ उत्तर प्रदेश से मैनपुरी जिला में, अब ये टोकरी है, टोकरी कटोरी, अब ये आलू इन्होंने भाई ने तोल लिए और इसके बाद ये रखे हैं भाई, बैठ गए आने, हाँ इधर ही रख दो, इधर साइड रखो थोड़ी, इधर बढ़ाओ यही। अब ये चटनी किसकी चटनी है? ये लहसुन वाली है, लहसुन की चटनी। हाँ। और ये वो सादा है, अच्छा वो सैंपल है, ये लहसुन की है। हाँ। ये देखो भाई ये कैसे बनाई जाती चटनी है? कैसे कैसे बनाते चटनी? इसमें टमाटर पड़ता है, लहसुन हाँ। पड़ता है, धनिया पड़ता है और क्या मिर्च पड़ती है, अच्छा हींग जीरो सारे मसाले, हाँ सारे मसाले पड़ते हैं इसमें, और अदरक वगैरह भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, लहसुन है ना। हाँ। ये मसाला है, ये मसाला, ये कैसे बनाया मसाला निकालना? इसमें सारे मसाले पड़ते हैं, ये मसाला है देखो भाई, अलग ही तरीका है भाई मसाला वसाला का। देखो ये बनाया कैसे है मसाला, ये वाला है? कैसे बनाया ये वाला? इसमें हींग है, जीरो है, धनिया है, मिर्च है और गर्म मसाला है, सारे गर्म मसाले। हाँ सारे गर्म मसाले खाने वाले, ठीक है। तो ये मसाले भाई बनाया जाता है, ये अनोखे तरीके से बनाया जाता है ये मसाला और आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे यहाँ पे टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों ये आ चुकी है चटनी और ये आ चुके हैं हमारे आलू और इनका जो टेस्ट है वो आप लोगों को मैं बताते हैं किस तरीके से टेस्ट है। और ये भाई इनका जो आलू है और ये इनका मसाला है और मैं आप लोगों को बता दी मसाला मैंने डाला और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये लगाया चटनी। स्वाद भाई एकदम बढ़िया है और गरम भी है और चटपटा भी है स्वाद। ये देख सकते हैं इसमें जो लहसुन है, हरी धनिया है, टमाटर है, सारे जो आइटम है वो डाले इस चटनी में तब बनाइए, ठीक है। तो भाई मुझे 75 रुपये स्वाद है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है बजटाना में। और अगर आप लोगों को मैनपुरी के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप लोगों को सिर्फ मैनपुरी में मिलेंगे, तो आप लोग मैनपुरी आओ और ये यहाँ पे आप लोग खा के जाओ। तो ये कौन सी जगह लगता है आपका ये ठेला? ये कोतवाली के सामने, कोतवाली के सामने। हाँ। मैन ये मतलब ये मैनपुरी में लगता है उत्तर प्रदेश
मैनपुरी में कोतवाली के सामने, ये जो पुलिस थाना है कोतवाली, उसके ठीक सामने लगाते भैया। और यहाँ पे आप लोग पूरी की पूरी एरिया में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे आलू जो है भुनते हुए, ये जिस तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग मैनपुरी में आते हैं तो ये भैया आप लोगों को ठीक कोतवाली के सामने मिलेंगे, और यहाँ से आप लोग जो है आलू यहाँ पे लेके खा सकते हैं। क्योंकि भाई ये तरीका है ना इनका, जो अनोखा तरीका है, और ये तरीका भाई कहीं और जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनपुरी ज़िला यानी कि उत्तर प्रदेश मैनपुरी ज़िला मिलेगा, और आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने देखा यहाँ पे उनका जो स्वाद है जैसा बताया गया था वैसा ही स्वाद है, काफ़ी अच्छा इनका स्वाद है भाई। मैंने खाए आलू, और आप लोग यहाँ पे आना चाहें तो आप लोग आ सकते हो। तो दोस्तों मैंने आधा किलो जो आलू है यानी कि आधा किलो 500 ग्राम आलू जो मैंने खा लिए हैं, और साथ में मैंने जो है आधी किलो आलू के लिए पैक भी करवा लिए हैं, ये आधा किलो, ठीक है, यानी 500 ग्राम। 35 किलोमीटर से दूर से आया हूँ सिर्फ आलू खाने के लिए, ठीक है, तो आ जाओ। अगर आप लोगों को बाकी में रियलिटी में आप लोगों को भुने हुए और अच्छी क्वालिटी के आलू खाने हैं तो भाई आप मैनपुरी आ जाइए और आप लोग यहाँ पे आलू खा के जाइए। मैं मैनपुरी ज़िला में आया हूँ अपने घर से, तो भाई सिर्फ आलू खाने के लिए आया हूँ, और मेरा कोई काम नहीं था भाई, सिर्फ यही काम था मेरा आलू खाने का, तो मैं आया हूँ। और मैंने कहा जब आया हूँ तो आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दे देता हूँ, ठीक है, तो बस यही ब्लॉग था। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे जो भी ट्रैवलिंग वीडियो होती हैं, खाने से घर की वीडियो होती है, फैमिली वीडियो होती हैं, वो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, तो चैनल को सपोर्ट करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया ब्लॉग लेके, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।